नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। दतिया में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के पुरस्कार वितरण समारोह में कोच और खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा कर दिया। कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आने से पहले स्टेडियम में हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे लोगों ने खेल अधिकारी पर गाली गलौज और मनमानी करने का आरोप लगाया। खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण शिविर में बांटी गई टी शर्ट फेंकते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। हालांकि अधिकारियों के मान मनोबल के बाद खिलाड़ियों का गुस्सा शांत हुआ है। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू हो पाया। खिलाड़ियों के कोच ने आरोप लगाया कि प्रशिक्षण शिविर में काफी अव्यवस्थाएं हैं, जिसकी शिकायत खेल अधिकारी मकसूदा मिर्जा से करने पर उन्होंने जमकर गाली गलौज की। कोचों से माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। कौन दे रहा है? मैडम मकसूदा मिर्जा। मैडम तुम ऐसा कर रहे हो, हम लोगों की इज्जत नहीं है। 10 साल से यहाँ पे फोकल फ्री में कैंप चला रहे हैं हम लोग। पेरेंट्स से भी उल्टा सीधा बोल रहा है, अगर कोई वहाँ पे बैठता है तो उनको उठा दिया जाता है। इधर नहीं बैठना है, उधर नहीं बैठना है। कोचों की कोई इज्जत नहीं है। हम लोग यहाँ पे फ्री में 1 महीने की क्लास नहीं, 12 महीने क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चों को नेशनल मेडल उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन कुछ बात नहीं, हम इस कैंप का बहिष्कार करते हैं। हमें ऐसा गेम नहीं चाहिए। 7 साल हो गए हुए ग्राउंड पे, अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला कैंप में। इस बार मुझे अलग ही देखने को मिला, थोड़ा चेंजिंग दिखी है। और मैंने बोला मैम से, मैम देखना बच्ची नहीं आ पा रही, उसमें थोड़ा चेंजिंग। बच्चों को टी शर्ट ही नहीं दी। गेम क्या ना, गेम बेस पे अपन ने सिलेक्शन निकाले, उसमें अपन को हेयर फेयर कर थोड़ा चेंजिंग लाना है। तो मुझे पता है क्या करना चाहिए, मुझे मैं क्या करूँगी, ये बोलती है ये लैंग्वेज। बवाल मचने पर खेल अधिकारी मकसूदा मिर्जा ने अपने बचाव में कहा कि प्रशिक्षण शिविर में बड़ी उम्र बच्चे शामिल हुए थे, जिसके बारे में कोचों से पूछने पर वो हंगामा करने लगे। खेल अधिकारी मकसूदा मिर्जा ने अव्यवस्थाओं और अपशब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप से साफ इनकार कर दिया। बच्चों ने ये हुआ कि बड़ी उम्र के बच्चे थे, उनसे पूछा गया कि ये बड़ी उम्र के बच्चे कैसे हैं, तो उसमें जो कोच है उसको बुरा लगा कि आप क्यों पूछ रहे हो कि आपको बड़ी उम्र छोटी उम्र, या तो वो दिखाते। हमारा तो है कि 8 से लेके हमने 20 साल के बच्चों के लिए ये कैंप लगाया है, बड़ी उम्र के बच्चों के लिए नहीं लगाया है। उससे यही पूछा गया कि ये बड़ी उम्र का बच्चा, इसको कैसा इसके मेरा कि ये कोच है, क्योंकि वो बुड्ढा दिख रहा था दाढ़ी वाला। बच्चा जो था वो 18 साल से ज़्यादा दिख रहा। किसी को कुछ नहीं बोला गया, बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। किसी को कुछ नहीं बोला गया, बहुत अच्छे से आज तक ज़िंदगी में कभी भी 20 सालों में जब भी हो, इतना सामान दिया खेलकूद सामग्री, 4-5 लाख की खेलकूद सामग्री दी गई, जो आज तक किसी को कहीं नहीं दी गई। बच्चों को भी टी शर्ट दी गई, उनके कोच ने जो लिस्ट बना के दी गई उसी से टी शर्ट दी गई। कोच ने बताया कि कौन बच्चा आया है कौन नहीं आया। हम नहीं पहचानते कि किसका बच्चा है। कोच बताता है कि ये बच्चा आया है और उसको टी शर्ट दी जाए। बच्ची का कहना है ऐसा कि आपने उससे अपशब्द बोले? बिल्कुल गलत, कोई बच्ची नहीं, कोच लेके आता उसको दी जाता। बच्चों के साथ साथ आपने कोच को भी अपशब्द बोला? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोला गया। सिर्फ पूछा गया कि इतने 8 से 20 साल के बच्चों का है उसी का लिया जाए, ज्यादा उम्र के बच्चों को कैंप में न लिया जाए। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माना कि शिविर में बद इंतजामी फैली हुई है। खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, जिससे 7 खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम आप लोगों का है, जिससे दतिया का नाम खराब ना हो। मैं सिर्फ यही प्रार्थना बच्चों से भी करूंगा और यहाँ के स्कूल के अधिकारियों से करूंगा कि हम व्यवस्थाएं जुटाने में कोई कमी कहीं भी नहीं छोड़ रहे। जो सरकार के स्तर की व्यवस्था है उसमें हम कहीं कमी नहीं रखें, लेकिन इस व्यवस्था को मूर्त रूप देने का, व्यवस्था को व्यवस्थित रखने का काम आप सबका है। इसमें कोई कोताही ना हो। मेरे सामने जो मेरे बच्चे दतिया के नौनिहाल बैठे हैं, दतिया के कल के भविष्य बैठे हैं, इनको कोई दिक्कत न हो। अगर मेरे बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो ये मानना वो दिक्कत मुझे होगी, वो दिक्कत दतिया को होगी और उसके ऊपर मैं कार्यवाही करूंगा, ये बात सबके ध्यान में रहना चाहिए। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।